एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। अगर आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस वीडियो की मदद से आपके वाइट हेयर और डैंड्रफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और ये आपके हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा। बालों को सिल्की, शाइनी और मजबूत बनाने के लिए आप लोग शायद काफ़ी पैसे खर्च करती होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद आप यकीन ना करें। बालों पर यदि आप अलसी से बना हेयर जेल लगाएं तो आपके बालों को किसी महंगे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। येस, दिस इज़ राइट। अलसी बालों से जुड़ी हर तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करती है या बालों को हेल्दी और चमकदार भी बनाती है। यही नहीं, अगर सिर में रूसी की प्रॉब्लम है तो इसे लगाने से वह भी दूर हो जाएगी। अलसी का इस्तेमाल बालों को बढ़ाने और स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए किया जाता है। इसमें विटामिन ई की मात्रा अधिक होती है जिससे यह स्किन और बालों दोनों के लिए अच्छा होता है। यह बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है जिससे उनकी ग्रोथ होती है और वह कम टूटते हैं। इस जेल को बनाने के लिए हम जैतून का तेल लेंगे, इसे हम ऑलिव ऑयल भी कहते हैं, और हमें चाहिए 2 विटामिन ई की कैप्सूल्स। इस हेयर जेल को बनाने के लिए हम एक पतीले में 1.5 कप पानी लेंगे। और अब हम इसमें अलसी का लगभग 1 कप अलसी इसमें डालेंगे। और हम इसे हाई फ्लेम पर उबालेंगे ताकि अच्छे से उबल जाए। बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे ताकि ये एक अच्छे से इसके न्यूट्रिएंट्स पानी में घुल जाएं। और अब ये हेयर जेल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम स्ट्रेनर की मदद से इस अलसी के जेल को अच्छे से छान लेंगे। फ्लैक्स सीड्स को अलसी के नाम से भी जाना जाता है। हेल्थ फ्रीक लोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें एसेंशियल मैक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। साथ ही यह प्रोटीन और ओमेगा 3 एसिड, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरी होती हैं। आप इसे किसी भी कांच के कंटेनर में स्टोर करके रख सकती हैं, बट ध्यान रहे वो एयरटाइट कंटेनर हो। बालों को घना और मजबूत बनाने के लिए इस जेल को आप हेयर कंडीशनर के तौर पे भी लगा सकती हैं। आप इस जेल को 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकती हैं फ्रिज में। अगर आप इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल डालेंगी तो आप इस जेल को लगभग 20 से 25 दिनों के लिए भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हैं। मैं इसमें ये लैवेंडर ऑयल डालूँगी क्योंकि लैवेंडर ऑयल बहुत ही अच्छा माना जाता है। लैवेंडर ऑयल आपके दिमाग की नसों को काम डाउन करता है जिससे आपको नींद भी अच्छी आती है। हम इसमें 2 से 3 बूंद डालेंगे और अब हमारा हेयर जेल बनकर तैयार है। इसे थोड़ा सा शेक कर लीजिए ताकि ये अच्छे से मिल जाए। शैम्पू करने से 1 घंटा पहले आपको यह जेल पूरे बालों में अच्छे से लगाना है और फिर हेयर वॉश कर लेना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप सबको मेरी यह रेमेडी बालों के लिए बहुत ही पसंद आई होगी। और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बने रहिए।